ऑल आइट फोक्स वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम लोग खड़े हैं जे सी बेली हैंडलर फाइव थर्टी वन हंड्रेड टेन के सामने जिसका प्राइस रेंज है फोर्टी टू लैस से लेकर फोर्टी फाइव लैख रुपीज एक शो टेली हैंडलर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको टेलीस्कोपिक हैंडलर कहते हैं इसकी जो फ्रंट आर्म है वो टोटल इलेवन मीटर्स तक ओपन हो सकती है फ्रंट में और सेवन पॉइंट एट फाइव मीटर्स की ऑपरेशनल हाइट मिलती है डायमेंशन की बात करें तो फाइव पॉइंट जीरो थ्री मीटर्स की लेंथ है टू पॉइंट सिक्स सेवन मीटर की हाइट है और टू पॉइंट थ्री टू मीटर्स की वृथ्थ है जीरो पॉइंट फोर जीरो मीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है सामने की तरफ में दो हाइड्रोलिक जैक्स मिलते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेशन के टाइम पे वीडियो में ये देखने में उतनी मेहमत मशीन नहीं लगती है बट रियलिटी में बहुत बड़ी मशीन है ये और इसका वेट 8870 एट, एट का है और 3000 थाउजेंड की लिफ्ट वेट कैपेसिटी मिलती है टायर्स की बात करें तो 13.00 पॉइंट जीरो जीरो क्रॉस ट्वेंटी फोर डैश सिक्सटीन का फ्रंट टायर मिलता है और ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्रॉस एटीन डैश ट्वेल्ल का रियर टायर मिलता है इसका टायर का साइज इतना बड़ा है कि जेसीबी को खुद मैनुफेक्चर करना पड़ता है कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी इसको मैनुफैक्चर नहीं करती है जनरल शॉवल ग्रेन बकेट पावर ग्रैब मैन प्लेटफॉर्म ड्रम हैंडलर जैसे डिफरेंट अटैचमेंट्स मिलते हैं सामने और फ्रंट आर्म टोटल 11 मीटर्स तक आगे की तरफ में मूव हो सकती है उसको पहले डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं आपको शोरूम की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम लोग इसको एलेवन मीटर तक मूव कर सके बट फिर भी थोड़ा बहुत आगे मूव करके आपको दिखाया ऊपर नीचे और आगे पीछे करके और हाइड्रोलिक जैक्स को भी लिफ्ट करके दिखाया बाकी जैसे भी कितना इसमें भी आप डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स को ऐड कर सकते हैं सामने बकेट का यूज़ करके ये जो आगे में अभी जो शॉवल दिया हुआ है ये रिमूव हो जाता है इजीली पीछे से लिवर के थ्रू में और साइड में अटैचमेंट्स भी दिए हुए हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी मटेरियल्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर शॉवल से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है टोटल थ्री थाउजेंड के का लिफ्ट वेट है वो भी इसीलिए क्योंकि इसका जो पेविट पॉइंट है बहुत आगे हो जाता है जब इसको एलेवन मीटर तक रेस किया जाता है और ये साइड में फ्रंट अटैचमेंट को रिमूव करने के लिए लीवर दिया हुआ है साइड में सेफ्टी मैकेनिज्म भी है पहले उसको पुल करके फिर इसको करेंगे तो लीवर रिमूव हो जाएगा और ऊपर में तो हाइड्रोलिक जैक्स दिए हुए हैं ये वाले हाइड्रोलिक जैग से आप बकेट को कंट्रोल कर सकते हैं इसकी हेल्प से आप बकेट को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं जैसे जे सी बी थ्री डी एक्स में करते हैं ऊपर में तो स्पॉटलाइट दी हुई है हैवी ड्यूटी जे सी बी के हाइड्रोलिक सिलेंडर्स मिलेंगे स्टील ब्रेडेड लाइन्स मिलती हैं और उसमें टू सेक्शन गेयर पम्प मिलता है जो कि टू बार का प्रेशर क्रिएट करता है हंड्रेड लीटर पर मिनट की कैपेसिटी के हिसाब से सामने में दो हेलोजन स्पॉटलाइट दी हुई है और कैबिन के ऊपर में भी स्पॉटलाइट्स मिलती हैं जे सी बी थ्री और टेली हैंडलर दोनों में सेम इंजन यूज़ होता है जे का और जे सर्विस एट होम का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिससे जे के सर्विस पर्सन आपके घर में आके आपके जे मशीन की सर्विस कर देंगे और यहाँ पर नीचे में रोलर्स दिए हुए हैं जिससे ईजिली जो बूम है वो आगे और पीछे मूव हो सके ऊपर पेवेड पॉइंट दिया हुआ है ऊपर कैबिन में भी स्पॉटलाइट मिलती है टोटल पाँच से आठ स्पॉट मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के और ये हैवी ड्यूटी कंट्रोल आर्म मिली है जिससे कि मशीन को ऑपरेशन के टाइम में लिफ्ट करते टाइम आगे और पीछे मूव नहीं होती है और ये है जे सी बी टेली हैंडलर के बैजिंग सामने में चेन से लिफ्ट करने के लिए ऊपर में जगह दी हुई है साइड में रियर व्यू मिरर दिया हुआ है राइट साइड में एकदम एंड पे और यहाँ पर सील ब्रेडेड लाइंस दी हुई है एक्सटर्नल कटआउट बहुत सारी जगह में दिया हुआ है जिससे आप मल्टीपल मशीनस को यूज़ कर सकते हैं और ये एंगल के लिए दिया हुआ है लिफ्ट जितनी ऊपर जाएगी उतना ये लीवर मूव होएगा ताकि ड्राइवर को पता लगे कितने एंगल में मूव हो रही है मशीन और फ्रंट व्हील के नोज़ल को भी कवर किया हुआ है बहुत ही नीटली जे सी ने जिससे कि नोज़ल ब्रेक ना हो ऑपरेशन के टाइम पे और ये है 110 हंड्रेड टेन लीटर्स का डीज़ल टैंक इसमें कैबिन की एंट्री एक ही साइड से होती है थ्री डी एक्स की तरह दोनों साइड से एंटर नहीं कर सकते और पीछे के साइड में हाइड्रोलिक रिजर्वर दिया हुआ है और हाइड्रोलिक पंप दिया हुआ है और ये पर्टिकुलर मशीन फोर व्हील ड्राइव है मतलब कि किसी भी तरीके के टेरेन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको यूज़ करते टाइम साइड में फाइव थर्टी वन हंड्रेड टेन की बैजिंग दी हुई है स्टील ब्रेडेड लाइन्स के साथ में हाइड्रोलिक पाइप्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कैबिन के साथ में रबड़ माउंट दिए हुए नीचे में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं और कैबिन वाइब्रेशन को बहुत कम कर देते हैं यहाँ पर जे से रिलेटेड बैजिंग दी हुई है जे भी बी टेली हैंडलर के जे नंबर वगैरह सब कुछ फोर व्हील ड्राइव और रियर व्हील स्टेरिंग के साथ में आती है जैसे भी बी टेली हैंडलर और सिक्सटीन डिग्रीज का पेविट पॉइंट मिलता है और यह रियर शाफ्ट काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी यूज़ की है जे सी बी ने इसमें और काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है जिससे आप इजिल थ्री थाउजेंड के जी लिफ्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसी दिखती है रियर प्रोफाइल हेलोजन टेल्ट मिलती है और पीछे में वेट ऐड किया हुआ है और हाइड्रोलिक का रिजर्वर चाबी की बात करें तो कुछ ऐसी दिखती है चाबी इसकी और हाइड्रोलिक रिजर्वायर को बहुत ही नीटली इन्होंने एक्स्ट्रा वेट की तरह यूज़ किया है उसको ओपन करने के लिए पीछे है नंबर प्लेट वाले जो कैबिन है इसको ओपन करना पड़ता है और ये है हाइड्रोलिक रिजर्वायर पीछे में आपके सारन दिया हुआ है जब रिवर्स करता है उस टाइम बचता है और ये लेफ्ट साइड में ब्रीदर वॉल्व दिया हुआ है हाइड्रोलिक रिजर्वायर दिया हुआ है ब्रीदर वॉल्व का काम जो है वो हाइड्रोलिक रिज़र्वायर में जो एयर बबल्स बन जाता है उनको रिमूव करना है और गवर्नमेंट के पास स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि जितने भी हैवी वेट व्हीकल्स हो गए चाहे ट्रक हो गए बसेज हो गए या फिर क्रेन्स हो गए उन सब में पीछे में आपको रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करना है और कुछ ऐसी दिखती है रेयर प्रोफाइल पीछे के साइड में जे सी बी टेली हैंडलर की बैजिंग मिलती है ऊपर में नंबर प्लेट के लिए जगह दी हुई है हेलोजन ब्रेक लाइट रिवर्स लाइट और इंडिकेटर्स मिलते हैं और यह है एग्जॉस्ट पाइप और साइड में मफलर के साथ में इस साइड में फाइव थर्टी की बैजिंग दी हुई है और जितनी भी जगह जहाँ पर भी नट टाइट किया वहाँ पर इन्होंने रबर होजेज भी लगाए हुए हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन और अनवांटेड नॉइज़ कम हो सके और ये टेली हैंडलर की जो बैजिंग दी हुई है इसके अंदर में होता है इंजन टेली हैंडलर की बैजिंग और नीचे में रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं साइड में इंजन से रिलेटेड थोड़ी सी वार्निंग दी हुई है इस लीवर को पुल करने से इंजन को एक्सेस किया जा सकता है नीचे में जे की बैजिंग दी हुई है और इस साइड में रियर व्यू मिरर मिलता है स्पॉट के साथ में और स्पॉटलाइट के उस साइड में टर्न इंडिकेटर्स और हेडलाइट मिलते हैं ऊपर में फिन्स दिए हुए हैं जिससे इंजन की हीट निकलती रहे आराम से एल हेडलाइट्स उतनी इफेक्टिव नहीं होती है रात के टाइम पर इसीलिए जे सी जितनी भी मशीन्स हैं उनमें मोस्टली हेलोजन बल्ब का यूज़ करती है और यह हेलोजन है हेडलाइट्स नीचे में हेलोजन है टर्न इंडिकेटर्स के साथ में फ्रंट कंट्रोल आर्म जेसीबी सी टेली हैंडलर की बैजिंग और आइए अब इंजन को एक्सेस करके देखते हैं इस पर्टिकुलर स्पॉट में चाबी को इंसर्ट करने के बाद इस लीवर को पुल करने से इंजन को एक्सेस कर सकते हैं और यह है जे सी बी फोर फोर एट सिक्सटीन वॉल फोर पॉइंट एट लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि सेवनटी सिक्स हॉर्स पावर एंड थ्री हंड्रेड टेन न्यूट्रन मीटर्स का पीक टॉक जनरेट करता है फोर स्पीड फुली सिंक्रोनस गेयरबॉक्स की हेल्प से थ्री इज टू वन इज टू वन का टॉक रेशियो डिलीवर करता है इसमें टोटल थ्री रेडिएटर दिए होते हैं एक फ्यूल के लिए होता है एक हाइड्रोलिक ऑयल के लिए होता है और एक रेडिएटर नॉर्मल होता है और ये ऊपर में कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजेक्टर्स के साथ में लेफ्ट साइड में रिजर्वा दिया हुआ है यहाँ से इंजन ऑयल रिफिल करेंगे ये सब हैवी ड्यूटी मशीन में नंबर ऑफ आवर्स के साथ में इंजन ऑयल चेंज होता है नंबर ऑफ किलोमीटर्स के साथ में नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली ये किलोमीटर्स उतना ड्राइव नहीं कर पाती है यहाँ से भरेंगे इंजन ऑयल और लेफ्ट साइड में जो येलो कलर में दिया हुआ है यहाँ से आप इंजन ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं इन जनरल इन सब मशीन में हर ऑपरेशन के पहले एक बार इंजन ऑयल लेवल चेक करना ज़रूरी होता है और ये है अल्टरनेटर और ये एयर फिल्टर बॉक्स दिया हुआ है इसको खोल के अंदर एयर फिल्टर को इजीली क्लीन कर सकते हैं कोई भी नट वग़ैरह का कर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ये ऊपर में फ्यूल कूलर दिया हुआ है जितना भी फ्यूल है वो यहाँ से कूल डाउन होने के बाद में इंजन के अंदर इंजेक्टर के थ्रू जाता है और ये सब जितनी भी गाड़ियाँ अभी चल रही हैं ये सब बेसिकली न्यू एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है और ऊपर में जेसीबी पासको की डिटेल्स दी हुई हैं जिनको कॉल करके आप लेटेस्ट ऑफर्स के बारे में पता कर सकते हैं और कुछ ऐसा दिखता है कैबिन काफ़ी हैवी ड्यूटी डोर का यूज़ किया है और काफ़ी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी है जैसे होस बस चेक वॉल दिया हुआ है लोड मोमेंट इंडिकेटर दिया हुआ है यहाँ से भरेंगे ब्रेक फ्लूड एयर कुशन सीट्स के साथ में आती है ताकि ऑपरेशन के टाइम पर ड्राइवर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो नीचे में भी थोड़ी सी स्पेस दी हुई है ऊपर में सीट में भी जेसीबी की बैजिंग मिलती है ऊपर स्पॉटलाइट मिलती है और रेड कलर का लीवर मिला है जो कि लॉक का, का काम करता है और कैबिन में ऊपर कर्टन का भी ऑप्शन मिलता है जिसको रिमूव करके आप ऊपर के थ्रू देख सकते हैं अगर ऊपर के साइड में कोई काम कर रहे हैं तो टोटल चार डिफरेंट लिवर्स मिलते हैं जिससे आप बकेट को कंट्रोल कर सकते हैं और बूम वाम को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट वार्निंग साइंस मिल जाते हैं ये साथ में अटैच मिलता है जब आप खरीदेंगे इस कोर्स का के टाइम पर काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के इंटीरियर्स का यूज़ करती है जे सी ऑटोमेटिक व्हीकल है तो नीचे में दोनों ब्रेक्स के दिए हुए हैं राइट साइड में एक्सीटर पेडल दिया हुआ है और काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाती है नीचे में टायर से रिलेटेड वार्निंग दी हुई है और ये है चार लीवर्स और ऊपर वो वार्निंग साइन दिया हुआ है कंट्रोल करने के लिए टॉप स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर पर लिमिट की हुई है इस मशीन की सेम जेसीबी वाले कंट्रोल्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड में हॉर्न और राइट साइड में इंडिकेटर के कैसे लगी आपको ये मेहमत मशीन की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और गाड़ी से रिलेटेड और इफॉर्मेशन जानने के लिए जे सी भी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग